नमस्कार, स्पीड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। WHO ने दुनिया भर में कोरोना के केस और वायरस से मौत का आंकड़ा बढ़ने की पुष्टि की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए सभी देशों से कोविड 19 से जुड़ा पूरा डेटा शेयर करने की अपील की है। देश के कई शहरों में बुधवार को जन्माष्टमी मनाई गई। रात 12 बजे मंदिरों और घरों में लोगों ने भगवान कृष्ण की पूजा की। हालांकि मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर समेत कई देश के कई बड़े मंदिरों में आज जन्माष्टमी मनाई गई। अमेरिका में रह रहे 11 लाख भारतीयों को ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार है। ये दावा अमेरिका थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में किया गया है। इसके मुताबिक अमेरिका में रोजगार के लिए ग्रीन कार्ड का आवेदन करने वाले भारतीयों की संख्या 11 लाख तक है। भारत इंडिया विवाद के बीच राहुल गांधी यूरोप में है। गुरुवार तड़के वे ब्रुसेल्स पहुंचे। आज वे यहां यूरोपीय संघ में सांसदों से मुलाकात करेंगे। ये राहुल गांधी का इस साल का तीसरा विदेश दौरा है। इससे पहले वे मार्च में ब्रिटेन और जून में अमेरिका के दौरे पर गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 8 सितंबर को 3 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। वे राष्ट्रपति बनने के बाद उनका पहला भारत का दौरा होगा। वे शाम को एयरफोर्स वन से दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी उन्हें रिसीव कर सकते हैं। इंडोनेशिया में ईस्ट एशिया समिट की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान इंडिया समिट में शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने अपने 5 मिनट के संबोधन में कहा, 21वीं सदी एशिया की सदी है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हमारा मंत्र है। जापान की स्पेस एजेंसी यानी आज सुबह अपना मून मिशन लॉन्च किया। मून मिशन स्पाइनर लैंड के साथ H2A रॉकेट तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:42 पर लॉन्च किया गया। इससे 3 से 4 महीने में चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचने और अगले साल जनवरी में लैंड करने की उम्मीद है। यूक्रेन जंग के बीच दुनिया में क्लस्टर बमों के इस्तेमाल में 8 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। क्लस्टर म्यूनिशन कोएलिशन कैंप ऑर्गेनाइजेशन ने आज एक रिपोर्ट जारी कर बताया। 2022 में क्लस्टर बमों के इस्तेमाल में 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसमें से 353 लोगों की मौत हो गई। ईरान में पुलिस ने 5 सितंबर को महसा अमीनी के 30 साल के अंकल सफाएली को उनके होम टाउन साकेत से गिरफ्तार किया है। फ्रांस के कुर्दिस्तान ह्यूमन राइट्स नेटवर्क के मुताबिक ईरान अधिकारियों ने पहले उनके घर के बाहर 5 वाहनों में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया। इसके बाद बिना किसी कानूनी दस्तावेज के उनके घर में घुसकर उन्हें किसी अज्ञात जगह पर ले गए। ब्रिटेन में खालिस्तानियों की भारत विरोधी हरकतों को लेकर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, किसी भी तरह का कट्टरवाद स्वीकार नहीं है। विरोध करने का मतलब ये नहीं कि इसके नाम पर हिंसा फैलाई जाए। हमारी सरकार बांटने वाली और हिंसक विचारधारा को काउंट करने के लिए गंभीरता से भारत सरकार के साथ काम कर रही है। वेनेगर चीफ प्रिगोजिन की मौत के बाद अब ब्रिटेन उनकी प्राइवेट आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाला है। बीसीसी के मुताबिक इस फैसले के बाद ब्रिटेन में इस वेनेगर ग्रुप से जुड़ना या उनका समर्थन करना गैर कानूनी हो जाएगा। इसके लिए संसद में बिल भी लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार 6 सितंबर को कहा कि हमारे समाज में आज भी भेदभाव मौजूद है। जब तक ये असमानता बनी रहेगी तब तक आरक्षण भी जारी रहना चाहिए। हम संविधान में दिए गए आरक्षण को पूरा समर्थन देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन सिंह ने सिग्रीवाल पर 13 जुलाई को हुए लाठीचार्ज के मामले में लोकसभा विशेषाधिकार समिति में बिहार डीजीपी पटना डीएम और एसएसपी समेत 7 अधिकारियों को दिल्ली तलब किया है। चेन्नई में 2 सितंबर को एक कार्यक्रम में सनातन के खिलाफ दिए बयान पर उदयनिधि ने गुरुवार को सफाई दी है। तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि ने कहा, वे किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं है। उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। भारतीय सेना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर फोकस कर रही है। इसलिए उसके पड़ोसी देशों चीन पाकिस्तान से विपरीत हालात में मुकाबले के लिए जम्मू कश्मीर के नॉर्थ और वेस्ट बॉर्डर पर स्वदेशी ड्रोन तैनात किए हैं। उधर बॉर्डर का ड्रोन रोड ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी लद्दाख के स्ट्रेटेजिक न्योमा बेल्ट में 218 करोड़ की लागत से एयरफील्ड बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर को इसकी आधारशिला रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे इंडिया बनाम भारत के विवाद पर ना बोले, साथ ही G20 समिट पर अधिकृत व्यक्ति के अलावा कोई मिनिस्टर बयान ना दे।
सुप्रीम कोर्ट ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के मेंबर्स को मणिपुर सरकार की ओर से दर्ज एफआईआर मामले में राहत दी है। 6 सितंबर को अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट 11 सितंबर से इस पर विस्तार से सुनवाई करेंगे। रामनगरी अयोध्या सज रही है। 5 से 10 हजार करोड़ नहीं बल्कि 32 हजार करोड़ से लागत से इसे सजाया जा रहा है। इसमें रामलला के मंदिर की लागत अलग है। सरकार का टारगेट अयोध्या को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन हब बनाने का है। इसी से यह समझा जा सकता है कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी इस पूरे प्रोजेक्ट पर नजर रखे हुए हैं। स्पीड न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे।